हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। शाहरुख खान इसकी शूटिंग शुरू कर चुके हैं और अभी तक इस बात को छुपा कर रखा गया था कि किंग में शाहरुख खान का क्या रोल होगा, पर अब इसका खुलासा हो गया है। गेस किया जा रहा है कि किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान बाप बेटी का रोल प्ले करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान इस फिल्म में एक पेशेवर हत्यारे का रोल प्ले करेंगे, वहीं सुहाना एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करेंगी जो अपने परिवार को खो चुकी हैं और अब वो शाहरुख खान का देखभाल कर रही हैं। अब बात करें सिंघम अगेन की, तो 19 अक्टूबर को सिंघम अगेन का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। जब बजरंगबली शीर्षक के इस गाने को देखा गया तो इससे एक बात तो साफ होती नजर आ रही है कि सिंघम अगेन इस बार जहां सुपरस्टार्स के साथ आने वाले हैं, तो वहीं उनको राम रामायण और बजरंगबली का साथ भी हासिल होने वाला है। जी हां, आपको बता दूं कि सिंघम अगेन का ये पहला गाना इतना धुएंदार है कि फैंस अब इस फिल्म को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फिल्म थिएटर में कौन कमाल करती है। अब बात करें सनी देओल की फिल्म जाट की, तो गदर 2 की रिलीज के बाद से ही सनी देओल की बॉलीवुड में दमदार वापसी हो गई है। इसी बीच अब सनी देओल कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी नजर आने वाले हैं। 19 अक्टूबर उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म जाट का पहला लुक सामने आ गया है जो काफी धमाकेदार है। इस पोस्टर में सनी देओल एक एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं और इस बार उनके हाथ में हैंडपंप की जगह एक पंखा नजर आ रहा है। अब बात करें कंगना की फिल्म इमरजेंसी की, तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टलती ही जा रही है क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। वो लोग जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे। इमरजेंसी ओरिजिनली 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म ने कंगना रनौत ने ही लीड रोल प्ले किया है, वो इस फिल्म की डायरेक्टर भी है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ कहना इन सभी फिल्मों को लेकर, यह हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।